और इस वक्त की गुड न्यूज हमारे युवाओं के लिए है। केंद्र सरकार ने युवाओं को तोहफा दिया है, खासतौर पर वो युवा जो अग्निवीर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीएसएफ में जो रिक्त पद हैं, उसमें 10% रिजर्वेशन का अग्निवीरों के लिए, पूर्व अग्निवीरों के लिए ऐलान कर दिया है केंद्र सरकार की ओर से। भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निश्चित तौर पर एक राहत की खबर है। यही नहीं, अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा के जो मानदंड है उसमें भी छूट देने का फैसला किया है। हालांकि इस बात पर निर्भर करता है कि वो पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैच का। गृह मंत्रालय ने इस बारे में 6 मार्च को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट इस नोटिफिकेशन में यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन वैकेंसीज विद इन बीएसएफ एज वेल एज रिलैक्स्ड अपर एज लिमिट नॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच और सबसिक्वेंट बैचेस। एमएचए मेड द अनाउंसमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन डेटेड 6 मार्च। यानी कि आधिकारिक गैजेट नोटिफिकेशन 6 मार्च 2023 को जारी हो गया था। इसके मुताबिक बीएसएफ की भर्ती परीक्षा में अग्निवीरों को शारीरिक क्षमता वाली परीक्षा यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी है उस टेस्ट में भी छूट मिल जाएगी। 5 साल की छूट आयु सीमा में है। पूर्व जो अग्निवीर हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में जिस तरीके का बदलाव किया है वो वेलकम किया जा रहा है। खासतौर पर अगर आप आईटीआई डिप्लोमा वाले हैं और अग्निवीर स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बोनस मार्किंग मिलेगी। तो अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं और इंडियन आर्मी ने जो महिला अग्निवीर हैं उनके लिए भी पहले गुड न्यूज दी थी और अब रिजर्वेशन की बात सामने निकल कर आ रही है जिसमें 10% रिजर्वेशन बीएसएफ के रिक्त पद में दिया जाएगा। तो अग्निवीर सरकार की अहम घोषणा, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। बोनस मार्क्स टू आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स अग्निवीर जो स्कीम के हैं उनको मिलेगा। तो आर्मी में भर्ती प्रक्रिया में ये जो बदलाव है इसे वेलकम किया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। बहरहाल केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो मैसेज जारी किया है, वो निश्चित तौर पर अग्निवीरों के लिए, चाहे आयु सीमा की बात हो या रिजर्वेशन को लेकर बात हो, एक राहत भरी खबर सामने निकल कर आ रही है, एक गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही है वो अग्निवीर स्कीम में, वो अग्निपथ स्कीम में जिसको लेकर नॉर्थ, ईस्ट और इसके अलावा वेस्ट और साउथ में, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ बवाल हो रहा था। तो ये युवाओं के लिए खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है।